नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉली फ्राई। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई सिर्फ आसिम रियाज के साथ नहीं है, उनकी तकरार तो रश्मि देसाई से भी कई बार हुई है। सिद्धार्थ और रश्मि तो बिग बॉस के घर में कई बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। फैंस ने तो उन्हें तब भी पसंद किया था जब दोनों ने सीरियल दिल से दिल तक में काम किया था, और फैंस अभी भी उन्हें काफ़ी प्यार दे रहे हैं। मतलब साफ है, सिद्धार्थ रश्मि चाहे प्यार करें या लड़ाई, दर्शकों के लिए तो ये जोड़ी हिट है। अब ऐसे ही फैंस के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। खबरों के मुताबिक बिग बॉस खत्म होने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आएंगे। सिद्धार्थ शुक्ला तो खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 के विनर भी रह चुके हैं। ऐसे में दोनों का इस शो में साथ आना फैंस की उत्सुकता को कई गुना बढ़ा देता है। वैसे बता दें, सिद्धार्थ और रश्मि खतरों के खिलाड़ी 10 में नजर नहीं आएंगे, बल्कि कलर्स एक नई सीरीज शुरू कर सकता है। खबरों के मुताबिक खतरों के खिलाड़ी के बाद खतरों के खिलाड़ी ऑल स्टार्स शुरू हो सकता है। उस शो में खतरों के खिलाड़ी से जुड़े पुराने कंटेस्टेंट को फिर बुलाया जाएगा और सभी फिर जीतने के लिए खतरनाक स्टंट करते दिखाई देंगे। खबरों की माने तो सिद्धार्थ और रश्मि इस शो के लिए तैयार हैं। वहीं मेकर्स दूसरे सेलिब्रिटी से भी संपर्क साध रहे हैं। अगर सभी साथ में इस शो के लिए आ जाते हैं तो शो का सुपरहिट होना तो लाजमी हो जाएगा। वैसे बता दें कि बिग बॉस के तुरंत बाद खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 शुरू होने जा रहा है। शो से जुड़े 2 प्रोमो पहले ही रिलीज कर दिए जा चुके हैं। हाल ही में रिलीज किए गए प्रोमो में एक्टर करण पटेल का खतरनाक चूहों के साथ संघर्ष दिखाया गया है। इस बार शो में करण पटेल के अलावा कृष्णा तन्ना, शिविन नारंग, तेजस्वी प्रकाश, अदा खान, धर्मेश जेलांडे जैसे कलाकार दस्तक देने वाले हैं। वहीं बिग बॉस की बात करें तो वहां भी सारे कंटेस्टेंट एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। अब किसके सिर सजेगा ताज, ये तो 15 फरवरी को ही पता चलेगा, जब होगा बिग बॉस सीजन 13 का ग्रैंड फिनाले।